नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में मैं आपको नहीं दिखूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा अपना सिस्टम। तो मेरे को ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, इसलिए मैं फिर ज़्यादा चीज़ें एक साथ मर्ज नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अभी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना सिस्टम और मेरे सिस्टम में क्या क्या है। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक अपने कम्युनिटी टैब में बिल्ड डाला हुआ है, जिसमें आपको मेरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ लगी हुई है वो सब आपको दिख जाएंगी, विद मॉडल और क्या प्राइस मेरे को मिली थी उनकी, वो सब प्राइस के साथ आपको मिल जाएगी। तो चलिए अभी सबसे पहले हम नीचे यहाँ से UPS से चालू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है UPS। ये मेरी मदद करता है, जब भी कोई पावर कट होता है तो मैं बस अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकता हूँ, उसके बाद बंद हो जाता है। मेरे घर पर इन्वर्टर भी है, लेकिन मैंने इन्वर्टर से इसलिए नहीं लगा रखा सिस्टम, क्योंकि पता नहीं इन्वर्टर से अगर कुछ, मतलब इन्वर्टर से मल्टीपल चीज़ें चल रही हुई और मेरे कंप्यूटर का लोड नहीं ले पाया, तो हालांकि कंप्यूटर का लोड इतना नहीं होता है, फिर भी मैंने एक सेपरेट यूनिट, पावर यूनिट बैकअप के लिए मैंने लगाया हुआ है। तो ये ज़्यादा नहीं चलता, बस ये इतना है कि प्रोजेक्ट को सेव करके आप बंद कर सकते हो, उतनी हेल्प करता है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर सैमसंग की ये T7 SSD लग रही है, तो 1 TB की है। यहाँ पर मैंने स्पिटफायर BBC के जो सैम्पल्स होते हैं वो लोड कर रखे हैं, क्योंकि वो आपकी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसमें रन नहीं कर पाते हैं। एक यहाँ पर USB पावर हब है, जिससे कि ये आपको वाइट सी दिख रही है, तो इससे मेरे कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड हैं। और ये है मेरा CPU और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। i9990 के इसका प्रोसेसर है, 32 GB रैम है DDR4 और 3000 mAh NZ की, और इसके अंदर बाकी 1 TB की एक हार्ड डिस्क जुड़ रही है, एक 4 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जुड़ रही है और एक 1 TB की एक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जुड़ रही है। ये तो रही इसकी हार्ड डिस्क की। एक SSD मैंने आपको बता दिया 1 TB की इसमें जुड़ रही है, एक 256 GB की SSD और जुड़ रही है, NVMe वाली SSD जुड़ रही है, और एक 512 GB की NVMe SSD जुड़ रही है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक शायद 4 GB का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। सारी डिटेल मैंने आपको एक इस लैपटॉप, इस कंप्यूटर का एक बिल डाला हुआ है मैंने कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थोड़ा आपको पीछे की ओर जाना पड़ेगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर आपको मेरा बिल मिल जाएगा और जो भी मेरी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी तो वो आपको सब देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम आते हैं, ये डेस्क भी मैंने बनवाई हुई है, तो ये पूरी वर्क स्टेशन के हिसाब से बनी हुई है। अगर यहाँ पर देखें तो मेरा कीबोर्ड है, 2 कीबोर्ड आपको दिख रहे हैं, ये तो है नोवेशन लॉन्च की और ये है अकाई 25 वायरलेस की, तो ये दोनों को यूज़ करता हूँ। अभी मेरा कनेक्टेड है ये वाला कीबोर्ड, तो ये 2 कीबोर्ड यहाँ पर हैं। और बाकी ये एक डेस्क है जिसमें मैं अपना सामान रखता हूँ, और अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा, है ना। और अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये मेरे पास है लॉन्च पैड, और लॉन्च पैड को मैंने, ये जो कवर आपको दिख रहा होगा ये लॉन्च पैड इसी में ही पैक होकर आया था, तो मैंने इसमें ही थोड़ा सा ये कट करके और ये लॉन्च पैड को मैंने इसी के अंदर रख रखा है। लॉन्च पैड कनेक्टेड है मेरी एंकर की एक पावर्ड USB हब से, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, नॉर्मल वाली जैसे मैंने नीचे कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर रखे हैं उसको, उससे क्यों नहीं कनेक्ट कर रख सक कर रखें, क्योंकि दोस्तों हम इतने सारे डिवाइस कनेक्ट करते हैं और 5 वोल्ट का एटलीस्ट वोल्टेज चाहिए होता है हर डिवाइस को पावर अप करने के लिए। तो अगर आपने मल्टीपल हार्ड डिस्क, अगर आपने जिसमें एक्सटर्नल पावर नहीं जुड़ सकती, अगर आपने ऐसी हार्ड ये USB हब से जोड़ा हुआ है तो वो मल्टीपल हार्ड डिस्क नहीं जोड़ सकते। और आप देखोगे मेरी एक ये वाली, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है WD की, नीचे 2 हार्ड डिस्क और लग रही हैं, और एक तो SSD है और 2 हार्ड डिस्क और हैं, तो उनको पावर अप करने के लिए सफिशियंट मतलब पावर चाहिए। अब ये क्या है कि ये अगर आपको दिख रहा है तो ये पावर केबल जा रही है, ये USB केबल जा रही है, तो ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से चलती है ये, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर अच्छा सफिशियंट पावर मिल जाता है सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने में। तो इसमें शायद 13 पोर्ट हैं और एक इसमें जो पोर्ट है वो चार्जिंग के लिए पोर्ट है। तो ये वाला जो केबल जा रहा है ये Type-C आ रहा है, तो मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर यहाँ पर लगा लेता हूँ इससे। अब हम आते हैं हमारे बाकी डिवाइसेस की ओर, तो ये रहा कीबोर्ड और माउस, लाइटिंग के साथ हैं, ये गेमिंग वाले हैं लेकिन सिंपल मैंने लाइटिंग के लिए रखे हुए हैं। अगर आप ये देखोगे तो ये है HS5 जिससे मैं अपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, और इसके ऊपर मैंने एक ये लगाया हुआ है कवर, तो ये क्या करता है जब भी हवा तेज होती है तो ये उसे ब्लॉक कर लेता है, या फिर हमारे जो वर्ड्स होते हैं कुछ पाफा बाबा माँ, मतलब उसमें थोड़ा सा ये
उनको फिल्टर कर देता है ये। तो बाकी आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रीम डेक लगाया हुआ है, स्ट्रीम डेक के अंदर सारे मेरे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सेव रहते हैं। आप देखोगे एफ एल स्टूडियो के अंदर अगर मैं जाता हूँ, अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अभी लॉगिन नहीं कर रखा अपने डिवाइस में, अभी डिवाइस बंद है, तो इसके अंदर सारे शॉर्टकट्स रहते हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ से लाइव वीडियो के दौरान भी मैं यहाँ से चेंज करता रहता हूँ। ये सारा आप ध्यान से देखोगे ना तो ये LCD है यहाँ पर, तो 12 LCD हैं, छोटी छोटी स्क्रीन है जिस पर मैंने अपने डिवाइस के जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो डिज़ाइन कर रखे हैं। FL स्टूडियो का भी मैंने शॉर्टकट डिज़ाइन कर रखा है। अगर आपको जानना है स्ट्रीम डेक को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ तो आप मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो बाकी ये सारा सिस्टम है। और अभी हम इसके पास आते हैं तो ये एक लाइट है, इसमें भी थोड़ा सा मैंने अलग क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर एक डमी बैटरी लगाई हुई है। तो कई बार क्या होता है आपकी कैमरा वाली लाइट होती है उसको आपको पावर अप करने की बार बार ज़रूरत होती है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन मैंने ये मिला मेरे को कि मैंने एक डमी बैटरी खरीद ली। तो आप देखो कि डमी बैटरी में से वायर निकल रहा है, तो ये क्या है, ये वाला वायर सबसे पहले एक यहाँ पर चार्जिंग के लिए ये अडेप्टर आ रहा है यहाँ पर, इसमें ये USB पोर्ट की तरह काम करती है। तो यहाँ पर आपको दो वायर दिख रहे हैं, एक तो इसके अंदर जा रहा है, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं वरना मैं आपको हाथ से छूकर बताता, तो एक तो इसके अंदर जा रहा है और एक इससे बाहर निकल रहा है। तो एक तो इसको पावर अप कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ से एक और वायर ये जा रहा है और ये जा रहा है मेरे इस ऑडियो इंटरफेस में। तो ये दोनों में जो एडेप्टर में जो पोर्ट है ना वो सेम है DC का, तो वो इसके अंदर अब जाके इसको पावर अप कर रहा है, मतलब यहाँ से पहले इसके अंदर पावर जा रही है और इससे लाइट इसको लाइट देके और यहाँ से एक और ये एडेप्टर इसी में से निकल रहा है जो इसके अंदर ऑडियो इंटरफेस के अंदर जा रहा है। तो ऑडियो इंटरफेस मेरे पास 6x6 है Focusrite का, और आप देख सकते हो इसमें ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और यहाँ पर इसको पावर मिल रही है इस लाइट से जो एडेप्टर निकल रहा है उससे, ये कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर से डायरेक्टली। और अभी आते हैं आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, छोटी सी आपको यहाँ पर ये नीला सा डिवाइस दिख रहा है, अगर आप लोग क्यूबेस यूज़ करते हो तो आपको पता होगा ये है ईलाई सेंसर, इसके बिना मेरे स्टाइनबर्ग के प्रोडक्ट नहीं चल सकते हैं। तो ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, आप ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी तो स्टाइनबर्ग अब इसको हटाने का प्लान कर रहा है, तो मैंने ये परचेज़ किया था, शायद ये 2500-3000 रुपये का आया था डिवाइस। तो ऊपर ये है मेरा डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, मॉनिटर, और ये फिलिप्स का है और बस नॉर्मल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो HS8 है जिसको मैं मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए सुनने के लिए यूज़ लेता हूँ। अभी मेरा हेडफोन ख़राब हो गया है, अदरवाइज़ मैं हेडफोन अभी नया परचेज़ करने वाला हूँ, तो मैं बेयर डायनेमिक का DT990 थोड़ा सा कॉस्टली है बस वो परचेज़ करने का प्लान बना रहा हूँ। ऊपर आपको ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये हैं रॉकवूल के क्या कहते हैं पैनल हैं जो मैंने अपने मॉडिफाई करवाए थे अपने मिस्त्री से, मॉडिफाई के बनवाए थे मतलब असेंबल करवाए थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ये मेरी चेयर है नॉर्मल जिस पर मैं बैठता हूँ। यहाँ पर एक और डेस्क दी हुई है जिसके अंदर मेरा सामान रहता है, जो भी फालतू का सामान होता है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। हाँ, एक चीज़ और भूल गए, यहाँ पर ये मेरा वेब कैम है जो लगा हुआ है। सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो कोई भी मैंने इस तरीके की नहीं ला रखी कि जिसमें बैटरी से ऑपरेटेड हो कोई भी, क्योंकि बैटरी से ऑपरेटेड अगर मैं जैसे कैमरा लगाता हूँ तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, मेरे को बार बार चार्ज करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या सारी चीज़ें वन टच पर काम करती हैं, सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं इससे और या फिर मेरे वायरलेस नेटवर्क से, तो सभी चीज़ें बिल्कुल फास्ट वर्क करती हैं। ये लाइट भी सब चीज़ें कनेक्टेड है, मेरे को किसी को भी हटा के असेंबल कर दोबारा उसमें बैटरी असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी देखोगे ना इसमें भी बैटरी लगती है, लेकिन मैंने इसको USB केबल के थ्रू पावर अप किया हुआ है तो इसमें भी मेरे को बैटरी नहीं डालनी पड़ रही। तो ये है मेरा एक छोटा सा सेटअप और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और मैं जल्दी ही आपके लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन की वीडियो लेके आने वाला हूँ। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है बट अब मैं आजकल मैं और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।